बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? ओके, कैसा रहा आपका वीकेंड? अच्छा, ओ वाओ, गुड। ओके, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम किताब का सफा नंबर 44 यानी 44 उर्दू में कहते हैं 44 करने वाले हैं, और उसमें क्या करना है, हमने हरूफ मिला कर लिखें। ठीक है, उन्होंने आपको हरूफ दिए हुए हैं और वो हमने मिलाने हैं। ठीक है, अब कैसे मिलाएंगे जी? बे प्लस छोटी ये, तो हम क्या लिखेंगे? बे की पूरी शक्ल लिख देंगे हम? नहीं जी, जब हम मिलाते हैं तो हम हरूफ की आधी शक्ल लिखते हैं जी, हम हरूफ की आधी शक्ल लिखते हैं। तो हमने बे की आधी शक्ल लिखी, ठीक है, और उसके साथ छोटी ये, और फिर हमने मिला दिया। बे छोटी ये बी, क्या बन गया? बे छोटी ये बी। ओके, उन्होंने आपकी किताब में पहले बे दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, फिर उन्होंने कहा है कि बे की आपने आधी शक्ल लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट ते, ते प्लस छोटी ये। ओके, यहाँ हम फिर ते की आधी शक्ल लिखेंगे और छोटी ये को हम पूरा ही लिखेंगे, और इसको मिलाएंगे ते छोटी ये ती। ओके, आगे यहाँ कोई और लफ्ज नहीं है, इसलिए हम छोटी ये की जो है पूरी शक्ल लिख रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ कोई और हर्फ होता तो हम ये की भी आधी शक्ल लिखते। ओके, ठीक है, नेक्स्ट जीम प्लस छोटी ये, यहाँ फिर हम जीम की आधी शक्ल लिखेंगे और छोटी ये, और जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? जीम छोटी ये जी। ओके, नेक्स्ट दाल प्लस छोटी ये, अब मुझे बताएं कि दाल की आधी शक्ल होती है? जल्दी से बताएं, मुझे तो लग रहा है कि होती है। नहीं, शाबाश, दाल की आधी शक्ल नहीं होती। ओके, दाल को हम वैसे ही लिखते हैं, दाल छोटी ये। ओके, जैसे दाल अलिफ दाल हम लिखते हैं ना, दाल अलिफ दाल छोटी ये दी, तो क्या बन जाता है? दादी। जीम छोटी ये जी से पहले हम लिख देते हैं बे अलिफ बा, तो क्या बन जाता है? बाजी। ओके, ते छोटी ये ती से पहले हम सीन वो सो लिख देते हैं, तो क्या बन जाता है? सोती। और बे छोटी ये बी से पहले अगर हम चेलिफ चा लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? चाबी। ओके जी, रे प्लस छोटी ये, रे की आधी शक्ल होती है? नहीं, रे की भी नहीं होती, रे की आधी शक्ल भी नहीं होती। ओके, रे छोटी ये री। ओके, क्या क्या पढ़ा हमने, क्या मिलाया हमने? बे छोटी ये बी, ते छोटी ये ती, जीम छोटी ये जी, दाल छोटी ये दी, और रे छोटी ये री। और रे छोटी ये री से अगर हम पहले बे अलिफ बा लिख दें तो क्या बन जाएगा? बारी। ओके, अब जो है उसके बाद क्या आ रहा है? सीन प्लस छोटी ये, उसके बाद क्या आ रहा है? सीन प्लस छोटी ये, तो सीन की आधी शक्ल होती है? हाँ जी, सीन की आधी शक्ल होती है। सीन की आधी शक्ल हमने बनाई, फिर हमने छोटी ये, और सीन छोटी ये सी। लाम प्लस छोटी ये, लाम की आधी शक्ल है? लाम की भी आधी शक्ल है भाई। लाम प्लस छोटी ये, लाम छोटी ये ली। ओके, हे प्लस छोटी, अब देखें ये एक आंख वाली है आई है, एक होती है दो चश्मी और एक होती है ये गोल सी जिसकी सिर्फ एक आंख होती है, और इसकी आधी शक्ल कैसी होती है? नीचे से सिक्स की तरह घुंडी भी जिसको हम कहते हैं, छोटी सी भी घुंडी है, छोटा सा सिक्स है। ठीक है, हे छोटी ये ही। फिर है तोए, तोए की आधी शक्ल होती है? नहीं, तोए और जोए की आधी शक्ल नहीं होती है, तो तोए को हमने वैसे ही लिखना है, और छोटी ये मिला देंगे तो बन जाएगा तोए छोटी ये
टी। ओके। सीन छोटी ये सी, लाम छोटी ये ली, हे छोटी ये ही, और तोई छोटी ये ती। ठीक है, अब इनसे अगर हम पहले अगर कोई लफ्ज बनाए, ठीक है, क्या बना सकते हैं अगर हम सीन छोटी ये सी से पहले कुछ लगाएं, जल्दी से मुझे बताएं। पे ये लिफिया, पिया सीन छोटी ये सी क्या बन जाएगा, प्यासी। और रे लगा दें अगर, तो रे सीन रस सीन छोटी ये सी क्या बन जाएगा, रस्सी। ओके। और लाम छोटी ये ली से अगर पहले हम तेलिफ ता लिख दें तो क्या बन जाएगा, ताली, जाली। मीम अलिफ मा, लाम छोटी ये ली माली। ओके। और हे छोटी ये ही से पहले अगर हम क्या लगा दें, हम लगा देते हैं काफ, रे लिफड़ा, है छोटी यही क्या बन जाएगा, कढ़ाई, चिकन कढ़ाई होती है ना जो हम बड़े शौक से खाते हैं, आपकी अम्मी बनाती हैं जी। और तो ही छोटी ये ती से पहले हम क्या लगा सकते हैं, तो है वाओ तो है वाओ तो ही छोटी ये ती तो ती। ओके जी, आज हमने ये पढ़ा, हमने हरूफ को छोटी ये से मिलाया है। ठीक है, ये आपने अपनी किताब में काम करना है और फिर नए नए लफ्ज बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, जैसे मिस ने आपको सिखाया है ना कि हम इससे पहले अगर ये लगा दें तो क्या बन जाएगा, रे छोटी एरी से पहले क्या, बेलिबा, रे छोटी एरी बारी। ओके, नए नए लफ्ज बनाने की प्रैक्टिस भी कीजिएगा, फिर मिस आपसे जूम क्लास में पूछेंगी भी। ओके ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।